कहते हैं कि ये सभी कर्मचारीगण सतेंद्र जैन जी के पास में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास अपने गुहार को लेकर आए थे, लेकिन इनको जो डॉक्टर अलका ने बताया कि पॉजिटिव मामला है, लेकिन आज जो मरीजों की दुर्दशा हो रही है, हम जानते हैं कि जो हमारे बीच में दौड़ से संबंध रखते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सतविंदर सिंह है और मैं डोर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सर ये एक तरफ कहा जाता है कि हम 2025 के अंदर हम टीबी खत्म कर देंगे, टाइफाइड खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग जब ऑन रोड पे बैठे हैं तो ये टीबी को कैसे ख़त्म करेंगे? सर इस बारे में तो खैर क्या कहें हम, क्योंकि हम 98 से हम लोग कर्मचारी हमारे डोर्स पे जो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से बात करते हैं 2025 तक ख़त्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, जब ग्रास रूट के लेवल पर जो कर्मचारी है, जो पेशेंट के बीच में जाता है, समाज के बीच में जाके इस बीमारी को ख़त्म कर रहा है, हमारा तो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट से, और वो भी ऐसा जो इतनी खतरनाक बीमारी है और हम उनसे ऐसे इतने खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, वो उसकी इन्हें फिक्र नहीं है कैसी परिस्थिति में हम काम करते हैं, बलगम बनाते हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है उसकी इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हाँ जी किस चीज़ को लेकर हो जाए। बीमार पड़ते हैं हम लोग, हमें से बतेरे ऐसे हैं जिनको टीबी हो चुकी है, जिन्होंने बेचारों ने इलाज लिया इस चीज़ को लेकर, ठीक है, और तरह तरह की बीमारी का, हमारे एक सीरियस पड़ा हुआ एक बंदा हमारा एक्सीडेंट होकर, एक बंदे की पिछले साल हमारे डेथ हुई है, कुछ नहीं मिला सरकार से, नहीं टीबी कार्ड नहीं, वो एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन हम यहाँ काम करते हैं तो हमारी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना, मतलब हम मरे खपे कुछ भी कोई लेना देना नहीं है, 1/3 हम सैलरी ले रहे हैं, मेरे साथ बैठा हुआ आदमी काम कर रहा है उसको मेरे से 3 गुना सैलरी दी जा रही है, कोई हिसाब होता है ना, कैसा महसूस होगा अगर एक बाप अपने औलाद के साथ अलग फर्क करे, घरों में लड़ाई हो जाती है, और यहाँ सरकार खुद हमारा शोषण खुलेआम कर रही है, और ये शोषण आज नहीं है वर्षों से जारी है। कहा जाता है कि एक बार जो पेशेंट को जो टीबी की दवाई ना दी जाए तो वो लाइलाज हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइलाज हो जाती है, टीबी की दवाइयां अगर ना दी जाएँ, बीच में टूट जाएँ, तो बीमारी का MDR XDR बोलते हैं उसको, होने का खतरा होता है, TDR भी होती है, इनका इलाज ही नहीं है या फिर बहुत मुश्किल इलाज है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ भी होता है उसकी सरकार जिम्मेदार होगी, हो रहा है वो। अगर पेशेंट वो इसी तरीके से आम पब्लिक के अंदर घर परिवार में रहता है तो उसके घर परिवार में और आम जनता में उसका क्या साइड इफेक्ट होता है इस स्थिति में बीमारी में? सर एक मरीज एक साल में 10 से 15 मरीज बनाता है, और जैसा मरीज खुद होता है वैसे मरीज बनाता है, एक अगर MDR का मरीज होगा तो नया मरीज MDR का इख्तियार करेगा, एक XDR का मरीज होगा तो XDR का तरह इख्तियार करेगा, 2 से 2.5 साल का उसका इलाज होता है, ठीक होने के चांस उसके 50-50 होते, कोई पता नहीं हो जाए ना हो ना हो, कोई गारंटी नहीं उसके ठीक होने की, तो ये चीज़ें फिक्र तो सरकार को करनी चाहिए, पूरे तंत्र को करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद महसूस नहीं हो रहा कि इन्हें फिक्र है, ये क्या कर रहे हैं, ये दवाइयाँ बंटवा रहे हैं, एक एक महीने की दवाइयाँ बंटवा रहे हैं, अनट्रेंड लोगों से दवाइयाँ बंटवा रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता दवाई कौन सी है, उल्टी सीधी दवाइयाँ दी जा रही होंगी पेशेंट को, कोई उसके साथ कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होगा? हम देख रहे हैं रिपोर्ट बना के भेज जा रही है, हाँ जी काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही, हमसे मुलाकात हुई हमारी यहाँ पे हमारे एक अधिकारी से, मिशन डायरेक्टर से, हमें बोला गया कि नहीं जी हमारे पास रिपोर्ट है कि सारा काम ओके चल रहा है, क्या ओके चल रहा है, एक मोची से बाल कटवाओगे आप, कैसे कटेंगे आप सोच सकते हो, वो यहाँ खिलवाड़ किया, हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरे से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ जी सब दबा दी जाती हैं खबरें, निचले लेवल पे सब दबा के होता कुछ है, बढ़िया बना के भेज दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में होता है कि ज़मीन तो खाली पड़ी है और रिकॉर्ड में बाग बने हुए हैं, जंगल उगा दिए हैं, वही खेल यहाँ हो रहे हैं हमारे साथ, और क्या हो रहा है? ये आप नहीं देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दे रखा है, अगर एक इंजीनियर को कह दिया जाए कि जो आप जो इंजेक्शन लगाओ, या एक डॉक्टर को कह दिया जाए तो ये बिल्डिंग का नक्शा बनाया, क्या संभव है? सर इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, जिस काम की मुझे जानकारी है मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ, उस बारे में मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, खाली जगह होती है उसे बाग दिखा दिया जाता है, बिल्कुल होता है, हो रहा है हमारे में, हेल्थ में हो रहा है, अभी करंट में जो हम देख रहे हैं वो चीज़ हो रही है, क्योंकि रिपोर्टें भेजी जा रही है, काम सफर नहीं कर रहा, सेंटर बंद पड़े हुए हैं, अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, बाहर से भेजा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर के बस की नहीं इतने लोगों को देखना, एक आदमी एक डॉक्टर की कैपेसिटी 100 की है, उसके बाद 300 मरीज आए क्या गए, वो क्या होता है, बाहर बैठा हुआ बंदा कहता है जी नहीं जी डॉक्टर नहीं देख रहे, बाहर के बाहर भेजे जा रहे हैं, ये रिपोर्ट अखबार में आई है, ये अखबार में आई है बात, तो सीधी सी बात ऑथेंटिकेट होगी ना, ये तो ये हो रहा, ये एक चीज़ दिखाने का मतलब समझते हो कि कितनी जगह पर ये हो रहा होगा।